नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी रोज की पूजा की विधि लेके आई हूँ। मैं रोज अपने घर में किस तरह से पूजा करती हूँ। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि आप अपने घर की पूजा दिखाइए, आप अपने घर में रोज की पूजा कैसे करती हैं। मैं अपने घर में रोज की पूजा बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि रोज की पूजा में अगर हम 2-3 घंटा देंगे तो घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए रोज़ की पूजा मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं रोज़ की पूजा कैसे करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं रोज़ की पूजा कैसे करती हूँ। ये मेरा पूजा घर है और ये भगवान की फ़ोटो हैं, कुछ मूर्तियां हैं और कुछ फ़ोटो हैं। ये जो दुर्गा जी देख रहे हैं आप, ये मैंने इस बार नवरात्रि में स्थापित किया था हम दुर्गा माता को। तो मैं इस बार नवरात्रि इसी दुर्गा माता की मूर्ति के पूजा करके की थी। बाकी ये लक्ष्मी गणेश दिवाली में आया है हम लोगों के यहाँ। लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा ली जाती है हर दिवाली में और उनकी पूजा की जाती है, और अगले साल जो है इस मूर्ति का विसर्जन करके फिर अगली मूर्ति ली जाती है। और कई जगह फोटो में पूजा भी होती है, तो हर जगह का अपना अपना नियम है। हम लोग के यहाँ मिट्टी की ही मूर्ति ली जाती है। और ये जो दुर्गा माता है, ये मैं हर साल इनकी पूजा करती थी, इस बार मैंने ये मिट्टी वाली दुर्गा माता की स्थापना की है, तो मैं सारी दुर्गा माता की पूजा करती हूँ। फिर इधर आप देख रहे हैं ये माँ गौरी है, गणेश जी है, ये फूल चढ़ा हुआ इसलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। बाकी ये भी कुछ भगवान हैं और ये महादेव जी हैं। महादेव जी की पूजा कर चुकी हूँ, बाकी इधर की पूजा मैं दिखाऊंगी। महादेव जी की पूजा की वीडियो एक दिन मैं अलग से लेके आऊँगी एक, तो उसमें आपको मैं सारी डिटेल में बताऊँगी कि मैं महादेव जी के अपने घर में पूजा कैसे करती हूँ। और मंदिर वाली पूजा की वीडियो तो मैंने बहुत दिन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो चलिए ये वीडियो में आप लोगों के साथ बताती हूँ मैं कैसे अपने घर में पूजा करती हूँ। ये मैंने दीपक जला ली है माता रानी के सामने। अब माता रानी को मैं जल चढ़ाऊँगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि महादेव जी के ऊपर ही बस जल चढ़ाया जाता है, बहुत सारा बाकी देवताओं के ऊपर जल का छिड़काव भी किया जाता है। तो मैं इस तरह से जल ले लूँगी और सारे भगवान के ऊपर छिड़क दूंगी, क्योंकि ये फोटो है तो इनके ऊपर जो है हम जल चढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने जल चढ़ा दी हूँ। अब ये देखिए मेरे पास कितने सारे अड़हुल के फूल हैं, और कुछ भगवान जो है उनको अड़हुल नहीं चढ़ाए जाते, जैसे देवियों को अड़हुल चढ़ाए जाते हैं, बाकी कुछ भगवान को अड़हुल नहीं चढ़ाए जाते, तो उन लोगों के लिए ये कनेर के पुष्प भी है। तो कनेर के पुष्प अभी कम खिलते हैं इसलिए कम है, बाकी समय में बहुत कनेर के पुष्प आते हैं, तो अभी ये फूल ज़्यादा आते हैं, तो ये फूल इसलिए बहुत है क्योंकि हमने ये पेड़ लगा रखा है। अब मैं माता रानी को सिंदूर चढ़ाऊँगी। ऐसे ही एक एक कर्म में हर भगवान को सिंदूर लगा दूंगी जिनको लगता है। तो मैं सबकी वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही एक एक करके हर भगवान को सिंदूर लगा दूंगी। ये पुष्प चढ़ा दिए, तो इस तरह से मैं हर भगवान के सामने फूल चढ़ा दूंगी। जिनके सामने अड़हुल चढ़ता है उनके सामने अड़हुल, और जिनके सामने दूसरा पुष्प चढ़ता है तो उनके सामने दूसरी वाली पुष्प चढ़ाऊँगी। फूल चढ़ाने के बाद सारे भगवान जी को मैं भोग लगा दूंगी। मैंने मिश्री का आज भोग लगाया है, तो जिस दिन जो चीज़ रहता है मैं उनका भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद मैं दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, आरती करूँगी, और फिर भगवान के जो भोग लगाया है उनको आचमन करवाऊँगी। और ये हो गई मेरी रोज़मर्रा की पूजा। मैं इस प्रकार ही रोज़ की पूजा करती हूँ। कुछ अगर आप लोग एक्स्ट्रा करते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं अपनी पूजा में वो भी शामिल करूंगी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।